हेलो गाइस, मैं पुष्पन ठाकुर स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी से संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल संस्कृत बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिगनर्स हैं, या फिर जो कक्षा 6 से कक्षा 10 के छात्र हैं जिनको संस्कृत को हिंदी में या हिंदी को संस्कृत से ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत आती, परेशानी आती, तो ये बिगिनिंग से है। बिल्कुल मैं बहुत शुरुआत से समझाने वाला हूँ, पहले ही आपको बता देता हूँ। और इसको आपको पूरा अच्छे से समझना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें कि हमें एक वीडियो किस तरह का लगा, कितना आपको यूज़फुल है, कितना आपको हेल्पफुल है। और बाकी के जो और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं आपको आगे रिकमेंडेड करूँगा कि भाई ये वीडियो देखें, ये चीज़ें देखें, उसके लिए भी आप वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, जब भी हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बस शुरुआत से समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल पेशन के साथ दिमाग से ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, अमन पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी का एक सेंटेंस है। अब जब हिंदी का ये सेंटेंस है तो आप इसमें समझिएगा कि इसमें क्या क्या है, अमन क्या है यहाँ पे, पुस्तक क्या है और पढ़ता है क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि अमन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, या इसको हिंदी में हम बोलेंगे करता है। अमन यहाँ पर सब्जेक्ट या करता है। पुस्तक जो है, पुस्तक आप यहाँ पर कोई चीज़ हो रही थी, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, या जो उद्देश्य मेन काम जो हो रहा है। और पढ़ना, पढ़ना क्या है यहाँ पर, आपकी क्रिया है, पढ़ना आपकी क्रिया है, या फिर यहाँ पे वर्ब कहते हैं इसको हम। तो अगर बेसिकली अगर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँगा तो क्या होता है, अब जब भी आप किसी हिंदी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो उसके लिए आप पहले देखते हो कि ये कौन सा टेंस है। ध्यान देखना, अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो इंग्लिश पढ़ाने लग गए यार संस्कृत की जगह। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको रिलेट कोरिलेट कर रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं को, क्योंकि हम जनरली इन्हीं को जानते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो उसी से रिलेट मैं संस्कृत को कर दूंगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि टेंस कौन सा है, ठीक है। टेंस देखने के बाद फिर आप अकॉर्डिंगली देखते हो कि कौन से टेंस का टाइप है। सबसे पहले आपने देखा कि भाई अमन पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ते, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, या फिर आपका ये इंटरोगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका फॉर्मूला फॉलो करते हो, आपकी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस आपका एस या ई एस भी लगाते हो, देन आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, बिला 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 वॉट एवर इट इज, इसमें कोई इतना पहने कौन है जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अमन, तो आप इसको करते तो अमन सब्जेक्ट है, तो अमन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आयती नहीं है क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये यूजफुल ही नहीं है यहाँ पे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना मीन्स क्या होता है, आपका रीड, तो यहाँ पर आपका एस ई एस लगेगा तो जाएगा अमन रीड्स बुक, ठीक है। अब आपने कहा हमें इतना समझाने की क्या ज़रूरत थी, हमें तो संस्कृत समझना है, हिंदी तो इंग्लिश समझना ही नहीं है हमें तो। लेकिन आपको यहीं पे तो ध्यान रखना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर टेंस देखते हैं और इस तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, अब संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता है, अब बेसिकली आप जब संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बस 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 ध्यान से समझो, जब आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे होते तो आपको भी यही देखना होगा सबसे पहले कि टेंस कौन सा, टेंस मीन्स लकार कौन सा है, लकार कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ता है, ती है, ते, तो अब इस बात ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस मतलब आपका कौन सा है, ये लट लकार है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने ये देखा कि सबसे पहले कि टेंस कौन सा, लट लकार है, फिर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट, अब आपको संस्कृत में क्या क्या देखना पड़ता है वो सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखेंगे कर्ता, कर्ता कर्ता में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता में आपको देखना पड़ेगा कि वचन, पुरुष और लिंग, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कर्ता जो आपका संस्कृत में सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में जो अमन है, अमन पुस्तक पढ़ता है, तो जो अमन है जो सब्जेक्ट हमारा है कर्ता, तो यहाँ पर आपको उसकी तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वचन कौन सा है, लिंग क्या है और पुरुष क्या है।
तो अमन बचन क्या है आपका यहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये एक वचन है। बचन कौन सा? एक वचन। अब इसको देखें लिंग कौन सा? लिंग आपका पुल्लिंग है, ये लड़का है तो इसलिए पुल्लिंग है। और पुरुष, पुरुष कौन है? ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष। ऑब्वियस सी बात है जब इस तरह के जो नाम होते हैं वो हमेशा प्रथम पुरुष ही होते हैं। अब जो भी मेरे भाई बंधुओं को, जो भी बच्चों को, जो भी जिनको भी ये पता नहीं है कि वचन, पुरुष और लिंग क्या होते हैं, वो मेरी वीडियो जाकर देखें पहले, जो बेसिक वाली वीडियो की, मैंने उसमें वचन, पुरुष और लिंग पूरा समझाया हुआ है कि वचन क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं और लिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक वचन है, प्रथम पुरुष है और पुल्लिंग है। ये सब क्यों जरूरी है? मैं आपको इसी सेंटेंस को चेंज कर करके समझाऊंगा कि ये क्यों आवश्यक है। देखो सबसे पहले हमने देखा कि लकार कौन सा है, फिर हमने देखा कि कर्ता क्या है, इसके बाद अब कर्ता हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक जो मेन चीज है यहाँ पर शब्द रूप, मतलब कि यहाँ पर मेन बात मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगी विभक्ति। क्या देखना है मुझे यहाँ पर? विभक्ति कौन सी? वेरी आई एम पी चीज़। हालांकि सभी आई एम पी हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप इसमें वो, आपको देखना है यहाँ पर विभक्ति क्या, क्या देखना है आपको यहाँ पर, आपकी विभक्ति कौन सी है। तो अमन पुस्तक पढ़ता है, तो अमन पुस्तक को पढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है द्वितीय विभक्ति है। विभक्ति कौन सी आपकी है? द्वितीय। अब जो भी भाई बंधुओं को ये पता नहीं है कि विभक्ति कैसे पता करते हैं, तो मैंने बकायदा विभक्ति की एक ट्रिक का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और बकायदा सात जो विभक्तियाँ होती, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सातों के भी मैंने सात वीडियो अलग से बनाए हुए हैं आप सबके लिए, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, इससे आपको विभक्ति का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और रही बात लकार की, तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विदिंग लकार, जो पांच लकार आपके लिए जरूरी होते हैं, यूजफुल होते हैं, उनकी मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई और एक सेपरेट वीडियो में मैंने सभी की बनाई हुई है, तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें संस्कृत को पढ़ना है, समझना है, बोलना है, ट्रांसलेट करना है, तो हमें क्या क्या आना चाहिए? हमें लकार आना चाहिए, वचन, पुरुष, लिंग आना चाहिए और विभक्ति आनी चाहिए। अब समझ गए होंगे बेसिक कि सही संस्कृत कैसे बोलना, पढ़ना, लिखना और ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अमन, अमन देखिएगा, अब जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपको बता दूं कि इसमें भी विभक्ति देखी जाती है, यहाँ भी विभक्ति देखी जाती है। तो जो अमन है कर्ता, हमेशा जनरली ये प्रथम ही विभक्ति होती है अभी, क्योंकि इसका फॉर्मूला कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे जो कर्ता है वो अमन है, तो हमेशा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो अमन में कौन सी विभक्ति आएगी आपकी? प्रथम। जब आप मेरा विभक्ति का पूरा वीडियो देख लेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन से में कहाँ किधर कौन सी विभक्ति लगनी है। तो अमन में पहला है तो आपका अमन है हो जाए, तो आप इसको ट्रांसलेट करना चालू करता हूं, तो अमन में प्रथमा विभक्ति है, तो अमन का प्रथमा क्या हो जाएगा आपका? अमन, अमन है, विसर्ग आ जाएंगे सीधे। अब इसके बाद जो दूसरा है पुस्तक पे, पुस्तक पे आएंगे तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति? पुस्तक को, तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो यह आएगा पुस्तकम। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आपका होता है पढ़ता है, पढ़ता मीन्स पढ़ना, पढ़ना मीन्स क्या होता है? पट, तो पट। और चूंकि ये प्रथम, ये आपका क्या है? एक वचन है, प्रथम पुरुष और पुल्लिंग है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा? पठती। आपको एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर अमन है पुस्तकम पठती, अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं पुस्तकम अमन है पठती, या पठती अमन पुस्तक, आप कुछ भी कर देंगे, मतलब इसको यहाँ या इसको वहाँ, वहाँ को यहाँ रख देंगे तो भी संस्कृत में इसका कोई भी अंतर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट एक एक शब्द में एक एक चीज़ अलग अलग लगती है। जैसे अमन में प्रथम विभक्ति लगी है, पुस्तक में द्वितीय लगी है और पठती में आपका लकार के अनुसार हुआ है, जो क्रिया होती है धातु होती है वो लकार के अनुसार चलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज करते हैं, पुस्तकम को आगे लिख देते हैं, अमन को पीछे लिखते हैं, पठती को फिर आगे लिख देते हैं, तो इससे संस्कृत के जो वाक्य है उसके अर्थ का कोई अनर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आपको एक बात समझ में आई गई होगी कि हमें क्या करना है। जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें कोई नियम रूल कानून कायदा नहीं होता है, हमें देखना होता है कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो क्रिया होती है वो हमारा टेंस जो लकार होता है उसके अनुसार बदलती है, बाकी जितने भी शब्द होते हैं वो सब आपके विभक्ति अनुसार बदलते हैं। समझ में आ गई बात। तो जो विभक्ति का जो फॉर्मूला होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जितने भी जो एक मैंने पूरा अच्छे से ट्रिक वाइज और पूरे सेपरेट वीडियो बनाया हुआ आप उनमें देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपको अभी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। चलिएगा अब मैं इसको थोड़ा आगे थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। जैसे मैं इसमें चाहता हूँ मैं यहाँ पर पुस्तक की जगह मैं कर देता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर अमन था, पहले एक नाम था, अब मैंने यहाँ पर कर दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो लकार तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लट लकार रहेगा। कर्ता मैं बचन, मैं एक ही हूँ, मैं एक आदमी हूँ, तो यहाँ पर बचन तो आपका एक ही है, एक बचन। लेकिन यहाँ पर पुरुष जो है वो आपका परिवर्तन हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष भी नहीं है, ये मध्यम नहीं, उत्तम पुरुष है। आपका कौन सा पुरुष होगा? ये उत्तम पुरुष होगा। और मैं यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ, लड़का ही हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग ही होगा। तो भाई साहब ये कहने का तात्पर्य ये कि अब यहाँ पर सेंटेंस में क्या हुआ, मैं का होता अहम, एक बचन करता जो सब्जेक्ट होता है करता उसमें अहम, अहम पुस्तकम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति कोई चेंज नहीं होगा, अहम पुस्तकम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लकार के अनुसार यहाँ पर आपका अहम है, तो ये पुरुष के अनुसार जो पुरुष होता है उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया में सिस्टम होता है। तो ये आपका पठती था, तो आपकी बारी हो जाएगा पठामी, क्या हो जाएगा पठामी, समझ गए। आमी अब आम, तीता अंति, सीता था, आमी अब आम है, इस तरीके से ये चेंज हो गया, समझ गया बात को। चूंकि यहाँ पर अभी वचन परिवर्तित नहीं हुआ, सिर्फ उत्तम, सिर्फ पुरुष परिवर्तन हुआ था, तो पुरुष परिवर्तन होने से सिर्फ आपकी जो क्रिया थी उसमें फर्क पड़ा और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं देखा जाए कि अगर मैं पुरुष तो चेंज करूँ या फिर जो भी है, लेकिन अगर मैं वचन के अनुसार इसको चेंज कर दूँ तो क्या होता है? अगर मैं वचन में चेंज करूँ तो क्या होगा? जैसे वचन में चेंज करते हैं बे सब, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने यहाँ पर आपका जो चेंज कर दिया है वो, अब मैंने कहा था बे सब पुस्तक पढ़ते हैं, बे सब मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पढ़ते हैं, पढ़ता है नहीं तो पढ़ते हैं आएगा। यहाँ पर सेंटेंस ही हमें पूरा परिवर्तित करना पड़ेगा, बे सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये बे सब मतलब यहाँ पर लकार में कोई परिवर्तन नहीं है, बट वचन जो है आपका एक वचन की जगह क्या हो गया, वो बे सब मतलब आपका ये बहुवचन है। कौन सा वचन हो गया आपका? ये बहुवचन हो गया। माफ़ करिए अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो कृपया कर मेरे शब्दों पर फोकस करें, वैसे मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको राइटिंग समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में ये ना लिखें कि योर राइटिंग इज़ सो बैड, थैंक यू सो मच। अब इसका पुरुष, पुरुष देखते हैं बे सब, जी हाँ बह बे दोनों बे सब पुरुष आपका, ये आपका कौन सा है? ये प्रथम पुरुष ही है। और लिंग आपका यहाँ पर आप जो भी समझे पुल्लिंग में पढ़ते हैं, पढ़ती हैं तो नहीं, तो यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी समय के अनुसार वहाँ जो पर्टिकुलर जगह होगी वहाँ पे पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, मैं पुल्लिंग मान के चलता हूँ। बेसब, बेसब को अब हमारा सब्जेक्ट है कर्ता, बेसब को क्या कहा जाता है? सा तऊ ते, ते हो जाएगा, ते मतलब होता है बेसब। पुस्तक, अब ये है तो द्वितीय विभक्ति, बट ये द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर वचन कौन सा है? बहुवचन है। कौन सा वचन है यहाँ पर? बहुवचन है, वहाँ पर एक ही वचन था, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में एक वचन में चला था। अब ये आपका कौन सा वचन आएगा? ऑब्वियस सी बात है आपका ये बहुवचन आएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो पुस्तक में एक प्रथम पुरुष में बहुवचन में आपका क्या होता है ये? जी जी आपका पुस्तकानी हो जाएगा, पुस्तकानी, ते पुस्तकानी। अब इसके बाद यहाँ पर बेसब में यहाँ पर भी आपका ये बहुवचन है प्रथम पुरुष में, तो यहाँ पर ते के अनुसार ये बदलाएगा, तो ये हो जाएगा पठंती, क्या हो जाएगा आपका ये पठंती, क्या हो जाएगा ये पठंती, ते पुस्तकानी पठंती। मीन्स आप एक बात समझ रहे होंगे कि अगर सेंटेंस में
वचन पुरुष और लिंग बदलाते हैं, क्या बदलाते हैं, वचन पुरुष और लिंग, तो उसके अनुसार आपकी जो विभक्ति होती ना उसमें भी आपको फिर चेंज करने पड़ते हैं। विभक्ति तो द्वितीय ही रहेगी लेकिन वो आपकी किसके अकॉर्डिंग रहेगी, बहुवचन के, वचन पुरुष और लिंग के अनुसार रहेगी। तो इसी के साथ आप समझ गए, और अगर लकार चेंज हो जाएगा तो विषय लकार के अनुसार भी चेंज रहेंगी। तो मेरा एक ये उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का कि आपको ये समझा पाना कि भाई अगर आप हिंदी से इंग्लिश संस्कृत में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको ट्रांसलेट करना आना है, सीखना है, तो आप उसके लिए आपको लकार आना चाहिए। सबसे पहले आपको वचन पुरुष और लिंग के बारे में मालूम हो, फिर आपको लकार के बारे में मालूम हो और विभक्ति के बारे में मालूम हो। अगर ये आप चीज़ें समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको आती हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आप संस्कृत को हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में उसको ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चले संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। तो यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fuck.